ये रिश्ता क्या कहलाता है। तूने मेरे खुशी का वादा किया था ना, ये क्या खुशी दे रही है तू मुझे? हाँ बेटा, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? देख सबके चेहरे देख, एक ही सवाल है, जवाब दे अक्षु। जवाब दो। आज तक इसने जितने भी ड्रामे किए हैं ना, मेरी समझ के तो बाहर रहे, मगर आज मैं ये समझना चाहता हूं कि इस मासूम चेहरे के पीछे जो शातिर दिमाग है वो कैसे चलता है। सब कुछ उलझा के तुम ऐसी मासूमियत लाती कहां से? जवाब मैं भी दे सकता हूं सर, सिर्फ आपको नहीं, यहां खड़े सबको। लेकिन आज मुझे नहीं, आज अक्षु को जवाब देना है। इसकी चुप्पी से चीजें बिगड़ी हैं, तो आज इसके जवाबों से ही सब सही होगा। ऐसे चुप खड़े रहने से नहीं चलेगा अक्षरा, बताओ सबको कि सच क्या है। ये सब क्या चल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो ये सब हो रहा है कोई नई बात नहीं है, ये तो होते रहता है। इस लड़की से मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। क्यों नहीं देख सकती ना तुम मुझे खुश? इसलिए आज भी मेरी खुशियां छीनना चाहती हो, पर याद रखना मैं आज ये होने नहीं दूंगी। इसलिए बताओ क्या कर रही थी मेरे अभी के साथ तुम यहाँ पे, बताओ। देखो तो सही, खुद की बहन क्या क्या कह रही है तुम्हारे बारे में, मगर चुप है ये, चुप है, कुछ कहने को है ही नहीं इसके पास। मतलब मेरी राय अक्षरा के बारे में गलत नहीं थी, ये लड़की वाकई ही प्रॉब्लमेटिक है। बताओ बताओ हमें, आज तुम अभिमन्यु के साथ यहां क्या कर रही हो? ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? वाह जी वाह, बहुत अच्छे। अपने सुपुत्र को मत देखना, वो क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपका सुपुत्र तो बड़ा दूध का धुला है ना, पूछे इससे यहाँ क्या कर रहा है, ये पूछेंगे कैसे? सारी दुनिया जानती है आपका बेटा कितना मनमौजी है, आपकी कभी सुनता है क्या? आपको धमकियां देता है सारी दुनिया के सामने। मेरी बच्ची से सवाल पूछने से पहले अपने खोटे सिक्के से पूछिए, क्या कंफ्यूजन है इसकी लाइफ का, क्यों करता है ऐसा? इससे शादी करनी है, उससे शादी करनी है, जिससे करनी है उससे भी नहीं करनी है, जिससे करनी है उसका मंडप छोड़ के भाग जाता है, अब किसी और के साथ खड़ा हुआ है, क्या दिमागी तकलीफ है इसे, पूछिए इससे। अरे ये जो है सो है, मगर आज हम सवाल अक्षरा से पूछ रहे हैं। यह बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आज तो पहल अक्षु को ही करनी पड़ेगी। बस एक बार, बस एक बार वो कह दे सबके सामने कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी करना चाहती है, फिर देखता हूँ कौन क्या बोलता है। अभी बेटा, ये सब कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम दोनों से कहा था कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ, फिर इस तरह चुपके से शादी क्यों? बेटा, सबसे एक बार बात तो कर लेनी चाहिए थी। तुम दोनों के इस फैसले में अरोही की जिंदगी भी तो शामिल है। परिवार को साथ लेकर चलते तो इस तरह से यहाँ पर तमाशा नहीं होता। माँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आज कुछ खास है। आज डिसीजन अक्षु को लेना है और मुझे उसके डिसीजन के साथ खड़ा होना है। क्यों छीन रहे तू मेरी खुशियां मुझसे? क्यों छीन रहे? तूने कहा था ना कि तेरा अभी के बीच में कुछ भी नहीं है, तू अभी से मूव ऑन हो चुकी है। तो तेरी खुशी तो मेरी खुशी में थी ना, मेरी खुशी इसमें नहीं है कि तू मेरी सारी खुशियां छीन ले। अक्षु बोलो, अक्षु इन सबको बताओ अपने प्यार का सच। बहन की खुशी के लिए तुमने सब कुछ किया, लेकिन अपने प्यार को मत छोड़ो। तेरी वजह से मैंने अपनी माँ को भी खोया। पहली बात, मैं अभी नहीं हूं तुम्हारा, अभी नहीं तुम्हारा अभिमन्यु नहीं हूं, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ अभिमन्यु हूं। और दूसरी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अक्षु से ऐसे बात करने की?
तुम्हें सिर्फ छीन के हासिल करना आता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी अक्षु को छीनने नहीं दूंगा, इसीलिए बस बस। छीन लिया ना तूने मेरा सबसे बड़ा सपना, तोड़ दिया ना तूने मेरे सारे अरमान। यहाँ पे अब सब लोग मुझे ही बुरा समझ रहे हैं, अभिमन्यु को भी लगता है कि मैं ही बुरी हूँ। तेरी वजह से सब कुछ तेरी वजह से हो रहा अक्षरा। I hate you. बस कर आ रही। बस बहुत बोल चुकी तुम अपनी दिल की बात, अब मेरी सुनो। तुम्हें लगता है कि अक्षु ने मुझे तुमसे छीना है? मुझे बता मैं तुम्हारा था कब? क्या प्यार करती हो तुम मुझसे? जानती भी हो क्या प्यार मतलब? पता है प्यार का? प्यार की ABCD भी पता होती ना तो जानती, समझ पाती अपनी बहन के प्यार को। अगर समझ पाती ना अपने बहन के प्यार को तो दिखाई देता तुम्हें उसका उसका बलिदान, उसकी कुर्बानी। तुम ना, तुम स्वार्थी सेल्फिश हो, और एक स्वार्थी सेल्फिश इंसान को मैं के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। तुम किसी से प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ अपने मतलब से प्यार करती हो। झूठी हो तुम, बेईमान हो तुम। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है तुम्हें? अभी क्लियर कर देता हूं। आप लोग भी सुनिए अपनी लाडली बेटी टॉपर डॉक्टर आरुही के झूठ के किस्से। इन्हें शौक है, नहीं इनफैक्ट ये बेशरम है, दूसरों का क्रेडिट खुद ले लेती है। सही कह रहा हूं ना मैं? आप सबको याद होगा बिरला हॉस्पिटल का कैंप लगा था, वहां आग लगी थी, मैं आग में फंस गया था और हम सबको लगा कि आरोही ने मुझे बचाया। झूठ था वो, जबकि असलियत तो यह है कि मुझे आरोही ने नहीं, मुझे अक्षु ने बचाया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है।